छिंदवाड़ा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पंचायत सचिव और सहायक सचिव संगठन ने ग्राम पंचायतों में आ रही तकनीकी समस्याओं के निवारण हेतु जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत में कुछ लोग सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत कर बंद करवाने हेतु पैसे की मांग करते हैं। ऐसे कुछ तथाकथित शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई हो। मनरेगा पीएम आवास योजना में तकनीकी खामियों का निराकरण कर पंचायत कर्मियों का 2008 में निर्धारित एरियस का भुगतान किया जाए। मैं प्रहलाद उसरेठे जिला सचिव संगठन से अध्यक्ष हूँ। आज जो हमारी ग्रापन और रैली का कार्यक्रम था, आप देख रहे हैं, वृद्ध पैमाने पे दोनों संगठन के संयुक्त तत्वाधान में था। रोजगार सहायक और सचिव संगठन का ये वृद्ध कार्यक्रम था और ये मुख्य रूप से 181 के लिए था। 181 पे क्या होता है, फर्जी लोग जो हैं असामाजिक तत्व, वो घर में बैठे बैठे उसमें 181 पे शिकायत दर्ज करवाते हैं कि उस सचिव ने इतनी भ्रष्टाचारी किया, रोजगार सहायक ने इतनी भ्रष्टाचारी किया, जबकि उनको गांव की भौगोलिक स्थिति का भी ज्ञान नहीं होता है, ना उन्होंने कभी गांव जाके देखा भी नहीं है। और जब उनसे अधिकारी लोग हम पे दबाव बनाते कि ये शिकायतें बंद करवाइए, जब हम बंद करवाने के लिए उन पे फ़ोन पे चर्चा करते हैं तो वो एक खाता नंबर देते हैं कि इस खाते में आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करवा दीजिए, हम शिकायत बंद करवा देंगे। तो हमारा जिला प्रशासन से ये मांग है कि ऐसे लोगों की या तो शिकायत आप फोर्स क्लोज करिए यहाँ से, यदि हमारे अधिकारियों का प्रतिवेदन आ रहा है, जिला जनपद सीओ का प्रतिवेदन आ रहा है, पंचायत सचिव का प्रतिवेदन आ रहा है, समन्वयक अधिकारी का आ रहा है, तो आप इस शिकायतों को बंद करिए जिससे अनलीगल दबाव हम पे ना पड़े। और यदि आप बंद नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को चिन्हांकित हमने करके दिया है, आप उन पे FIR करवाएं। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।